कानपुर में बजरिया और पश्चिम जोन की स्क्वाड टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रुपया दोगुना करने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कोना थाना क्षेत्र में जूता व्यापारी से हुई करोड़ों की ठगी का पुलिस ने खुलासा किया। डीसीपी पश्चिम बीबीजी टीएस मूर्ति ने बताया कि शातिर एम्बिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी खोलकर रुपए दोगुना करने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं कानपुर के व्यापारी लकी सिंह से भी 3 करोड़ की ठगी की थी, जिस पर पुलिस और सर्विलांस टीम जांच कर रही थी। वहीं टीम ने बेंगलोर से कंपनी संचालक सहित 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। जांच में देश के अलग अलग शहरों से कई लोगों से करीब 2000 करोड़ की ठगी की बात सामने आई है। वहीं गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है और पकड़े गए शातिरों को जेल भेजा जा रहा है। देखिए, बेंगलुरु से 4 अभियुक्तजन पकड़े गए हैं। इनका नाम है सैयद फरीद, सैयद आफाक, सैयद अमर और श्रीमती नबीली मिर्जा। ये सब बेंगलुरु के ही निवासी है, बेंगलुरु से हमने पकड़ा है। एसएचओ बजरिया के सकुशल टीम लीडिंग में हमारे जो पश्चिम के स्वाट टीम ने इनको पकड़ा है। इनका अभी इनके ऊपर जो इंजाम ये है कि इन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए लकी सिंह बोल के हमारे यहाँ कानपुर के एक जूता कारोबारी है, उनको 4 महीने में दुगना पैसे करने का झांसा देकर 3 करोड़ रुपए उनसे ठगा है। वैसे ही इनके जब हमें ट्रांजिट रिमांड इनका मिला है, उसी रिमांड के दौरान हमें यह भी पता चला कि करीब 6 मुकदमे इनके ऊपर बेंगलोर में अलग अलग थानों में लिखा हुआ है और करीब 3000 लोगों से देश भर में करीब 2000 करोड़ रुपए इन्होंने ठगी की है। इसमें एक और भी मामला संज्ञा में आया है कि एम्बिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इनका जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर ईडी ने भी अपना शक्का डाला है और उसमें करीब 70 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टी है उन्होंने सीज किया है। तो उसी के इस पे जब हमें हमें तहरीर मिला, उसी के उपरांत हमने अपना टीम भेजा है और मैं SHO बजरिया और अपने पूरा स्वाट टीम को अभिनंदन देता हूँ। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बेंगलुरु अपने टीम ले जाके, बेंगलुरु के ही निवासी है सारे चारों को गिरफ्तार किया, उनका ट्रांसिट रिमांड लिया और रिमांड के उपरांत हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है आपके सामने हम अवगत करा रहे हैं। बाकी उसके बाद भी हम प्रयास करेंगे कि को माननीय न्यायालय से इनसे और भी रिमांड लेके इस पे और भी निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको अवगत कराएंगे।